जैसे कपड़ा का ठोकाता है ना, ठोकने के लिए ताकि हमारा मतलब छेहर ना हो, छेहर होगा तो खिलौना, तो अगर बाई चांस भी तो पार्टी है तनाने कहीं इधर हो गया तो धागा खिलौना जो है उसको खिलौर करके एक साइड किया जाता है। बैठिए वीडियो बना दे रहे हैं। बात है ना कि थोड़ा सा तनी लेट हो जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्यम विकास बोर्ड से प्रखंड उद्यमी समन्वयक आशीष कुमार सिंह प्रखंड गढ़वा से हूँ। मैं सीओ सर के आदेशानुसार व जिला उद्यमी समन्वयक श्री चंद्रकांत पांडे के निर्देशानुसार गढ़वा प्रखंड के फरेठिया गांव में भेड़ की ऊन से बनने वाले कंबल बुनकरों की संख्या अधिक होने से यहाँ बेसलाइन सर्वे का कार्य किया जा रहा है। अभी तक उक्त सर्वे में कुल 265 कंबल बुनकर आर्टिजनों की संख्या प्राप्त हुई है। इस श्रृंखला में मेरे व मेराल के प्रखंड उद्यमी समन्वयक श्री महेंद्र विश्वकर्मा द्वारा एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री नगरवा टोला में उपस्थित हूँ, जहाँ पर भेड़ के ऊन से कंबल बनाने का कार्य किया जाता है। यह कार्य काफी लंबे समय से चल रहा है। अभी वर्तमान में जब मैंने बेसलाइन सर्वे का कार्य किया तो यहाँ लगभग 265 लोगों का नाम उसमें ऐड हुआ है। और मैं अब आगे आप लोगों को परिचय कराता हूँ श्री नागेंद्र पाल के, जो कि क्लस्टर में के स्थापना में हमारा सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। मेरा नाम नागेंद्र पाल हुआ और मैं फरेठिया पंचायत के नगदरवा टोला का रहने वाला हूँ। कंबल का कारोबार हमारे पूर्वजों से चलते आ रहा है। काफ़ी लंबे अरसे से हम लोग कंबल भेड़ के ऊन से कंबल बनाने का काम करते आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग भेड़ के ऊन को भेड़ के शरीर से काट कर उसको एक पीजन से धुनाई करते हैं। जैसा कि आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये धुनकी है, तो घरेलू भाषा में पीजन बोलते हैं। इस पीजन से कड़े ऊन को धुन करके मुलायम करते हैं और मुलायम करने के बाद फिर हम उसको चरखा में लगा करके सूट तैयार करते हैं। अब सूट कैसे तैयार होता है ये अभी आपके सामने चरखा चल रहा है, आप उसको देख सकते हैं। हाथ में लगा लगा नहीं है उसको काटिए, आप काटिए। हाँ, ये चरखा पर हम लोग गांधी जी वाला जो चरखा है ना पुराने जमाने का, वही ढंग का आपका ये चरखा है, उसी से हम लोग सूट तैयार करते हैं। और सूट तैयार करने के बाद हम लोग कैसे इसको रोल करते हैं, रोल करते हैं हम आपको बताएंगे। मेरा नाम विनोद पाल हुआ, मैं ग्राम नगदरवा का रहने वाला हूं। और हमारे घर में, हमारे पूरे गांव में कंबल व्यवसाय का काम चलता है, जो घरेलू कसघरगा उद्योग के वजह के हिसाब से कंबल बनाया जाता है भेड़ के बाल से। ये मेरे हाथ में जो है ये भेड़ का कच्चा बाल है, इसको पहले हम लोग धुनाई करते हैं। धुनाई करने के बाद इसको चरखे के ऊपर कताई किया जाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ धुनते हुए कैसे इसका धुनाई होता है। आप अपना परिचय पहले दे दीजिए। नाम नाम बताना। उर्मिला देवी, ये उर्मिला देवी हमें ये रुई की धुनाई करते दिखा रही हैं। इसको धुन के कैसे रोल करते हैं आप? हाँ, ये तन छिटनी है जिसपे ये अपना रस्सी पर डाल रही हैं माड़ में भिगोने के बाद, कि ये टूटे ना। माड़ में इसलिए डालते हैं क्योंकि थोड़ा सा मजबूत हो जाए, कच्चा सूत है, कमजोर होता है। आप
कुर्सी खींच के लगा दो चाहे गमला वाला लगा। इसको सूखने के लिए डाले हैं। कितने देर से सुखाते हैं? घाना रहे तो सूख जाए जल्दी है, नहीं घाना रहे तो थोड़ा देर से सूखी। दो घंटे के अंदर उसको सूख जाए। दो घंटा के अंदर तो अच्छी तरह सूख जाना चाहिए, टाइट होना चाहिए पूरा। इसको सूख के टाइट हो जाता है ये। ठीक है, अभी तो धूप नहीं है, धूप में ये सूख जाता है। दो घंटे से टाइम लगते हैं। चले देवी। इनका नाम सुनीता देवी है। और इसे क्या किया आपने? रंग है बढ़िया दिखाने के लिए। अच्छा दिखने के लिए इन्होंने दूसरा रंग से भी रंग दिया है इसे। और इसे क्या करेंगे अभी हम? इसे लगा के बीनेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शारदा देवी। शारदा देवी, ये बनाने के बाद ये है हमारा ये पट्टी तैयार। पहले हम बनाने का तरीका देखेंगे। चलिए आइए, चलिए। खराब होगा तो बन जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल पाल है। आप सवाल कर दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये जैसे ये सूत जो है सूत को अलग अलग कर रहे हैं, मतलब बिनने में हम लोग को अच्छा हो। अच्छा, ये जो उधर पट्टी लगाया उसको क्या कहते हैं? इसको चपनी बोलते हैं, इसको कटधारी बोलते हैं। कटधारी, इसका क्या काम है? अभी इसका है जो अभी नहीं, ये दूसरा कोना है, इसे क्या कहते हैं? इसको ओखर बोलते हैं। ओखर जो बिनने वाला इसे है, इसमें लगाएंगे तो इसे बिनेंगे। इसी से इसमें बिनेंगे। उसको क्या कहते हैं? इसको सेरगा कहते हैं। सेरगा। सामान में लिखे होंगे बैलेट, ये उसी का प्रक्रिया है। बैलेट ही कर रहा है। बैलेट कर रहे हैं ये रस्सी को बै बोलते हैं। बैल बै 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 उसको बैलेट बोलते हैं। इसका कोई गिनती भी होता है कि ऐसे ही बना रहे हैं? हाँ गिनती होता है ना इसमें। कितने कितने का गिनती है? कितना का तनी है टोटल? 845। 845 नहीं नहीं 45 का है। 45 का 45-46। ये कितना चौड़ा बनता है? इतने ही चौड़ा रहेगा। नहीं नहीं कितना, एक हाथ है कितना है? एक हाथ है, कोई डेढ़ फीट समथिंग। डेढ़ फीट पचपटिया का ताना है। 5.5-7.5 फीट चौड़ाई बनेगा इसका। अच्छा डेढ़ फीट है। हाँ
ऐसे ही सब पांच पार्ट बना के इसको ज्वाइंट करेंगे। कितने देर लगते हैं इसको बनाने में, एक पट्टी को बनाने में? एक पट्टी को बनाने में लमसम एक घंटा। एक घंटे में बिंद भी को? एक घंटे में बना देते हैं। और एक कंबल कितने दिन में बना देते हैं? एक कंबल वही एक दिन में तीन को चार को इसे करके उतार देते हैं। वो पूरा रेडी करने में चार से पाँच दिन समय लग जाता है। चार से पाँच दिन एक कंबल। हर एक बार में इसको बदलते हैं। इसको इसीलिए बनाते हैं कि नीचे का धागा अभी खींच देंगे तो ऊपर आ जाएगा और उसके बाद छोड़ेंगे तो फिर वापस रील नीचे चला जाएगा, ताकि ये इस तरीके से फंसता नहीं जाएगा तो ये धागा फ्री रहेगा ना, तो फंसाने के लिए उसको ऐसा करते हैं। ये बनाने के बाद ये पट्टी ऐसे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे पांच पट्टियों को मिलाकर एक कंबल बनाते हैं। ये देखिए कितनी महीन बुनाई है इसकी। मेरा नाम शारदा देवी है। हम सभी को अनुरोध है कि कमल बिनने के मिल बैठाया जाए और उनके स्थापना किया जाए और हम लोगों के अच्छी तरह से बाल बच्चे को पालन पोषण कर सके और पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ा सके। नागेंद्र बाल, मैं नगदरवा गांव का रहने वाला हूँ और हम लोग बहुत पुराने अरसे से इस कमल को बुनते आ रहे हैं। हमारे गांव में लगभग 250 इस पुराने सिस्टम से कमल बनाने का काम अभी भी करते आ रहे हैं। अगर सरकार हम लोगों पर कुछ ध्यान देती, काम करती, क्लस्टर सेंटर लगा देती तो हम लोगों का जीवन स्तर सुधर जाता और हम लोग पलायन करने से रुक जाते। मेरा नाम विनोद पाल हुआ, मैं नगदरवा गाँव में निवास करता हूँ। हमारे गाँव में पीढ़ी दर पीढ़ी कंबल बनाने का काम होता है, जो पौराणिक विधि से हम लोग काम करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हमारी आय का जो ये है वो बढ़ नहीं पाता है और हम मजबूर हो जाते हैं दूसरे राज्यों में काम के लिए प्लान करने को। अगर गवर्नमेंट या सरकार हमारी कुछ मदद करे, हमारे यहाँ क्लस्टर की स्थापना कराए, ताकि जिससे हमारा आय का स्रोत बढ़े, बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो और आने वाला पीढ़ी हमारा प्लान करने से बचे, बस यही हमारी उपेक्षा है सरकार से। ये है नगदरवा टोला, फरठिया गांव गढ़वा ब्लॉक में। इन लोगों की सरकार से अपेक्षा है कि सरकार यहां पे एक कंबल का क्लस्टर बनाए, जिससे इनका जीवन स्तर बढ़े और ये अपने बच्चों की देखभाल करें और दूसरे राज्यों में पलायन करने से बचें। और ये इनका पुश्तैनी काम है, जो एक हमारे पुराने रीति रिवाज से कंबल बनाने का है, हाथों से बनाने वाला। आप ये देख रहे हैं, इस परंपरा को संभाल के रखा जाए। पीला रोशनी है ना, पीला रोशनी में मेरा महेंद्र विश्वकर्मा हूँ। इस छोटे से वीडियो से हमने यह पाया कि यहाँ कंबल क्लस्टर बनाया जा सकता है। गढ़वा के ग्राम फरठिया और मेराल के बाजूडी में बुनकर का आर्थिक विकास इसके द्वारा संभव हो सकेगा। यह छोटा सा डॉक्यूमेंट्री मेरे और प्रखंड गढ़वा के उद्यमी समन्वय के द्वारा छोटी सी कोशिश है कि इनकी बातों को आगे रखा जाए। धन्यवाद।